गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको वाइट ग्रब जो होता है ना, गोबर वाला कीड़ा, उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे मॉर्निंग ग्लोरी की बेल थी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, अचानक से एकदम से सूखने लगी। तो इसका रीज़न यही है कि ये जो वाइट ग्रब है, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो ये जो है, इसकी जड़ों में निकलते हैं, जड़ों में रहते हैं, जड़ों को खा जाते हैं, बिल्कुल काट के बेकार कर देते हैं। ये देखिए, आपके अगर किसी भी प्लांटर में इस तरह के अंडे निकलते हैं, तो समझ लो आपके यहाँ वाइट ग्रब आ गए हैं आपके गार्डन में या आपके खेत में। ये वाइट अंडे मैंने उसके नीचे निकले थे, गमले के नीचे, और ये देखो, ये है ये वाइट ग्रब। ये बहुत सारे निकले हैं इस पॉट में, तो मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही थी। मैंने सोचा चलो धूप भी दिखा दूँ, और धूप दिखाया तो इसमें इस तरह से बहुत ढेर सारे छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो इनका रीज़न यही है कि ये बारिश के दिनों में, मानसून में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, और अगर आपके गमले में या कोई फसल है या कोई खेतों में एकदम से खड़ी फसल सूखने लगती है, मॉइस्चर होते हुए भी, ज़मीन में पानी होते हुए भी, तो इसका मतलब है इसमें ये सफ़ेद लट, इसे सफ़ेद लट भी कहते हैं, सफ़ेद लट लग गई है, जो ये प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। अब हमारे अगर गमलों में प्लांट लगे हुए, तो हम करें तो क्या करें इनका। तो सबसे अच्छा है, पहले तो आप प्लांट को उखाड़ कर देखिए, अगर इसके नीचे इस तरह की निकलते हैं तो ये आपके गमले में बिल्कुल पूरी तरह से फैल जाएंगे, आसपास के जो पॉट हैं उनमें भी हो जाएंगे, पूरे खेत में फैल जाती है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है पूरे एक साल की होती है। तो आप इनके उपाय क्या, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो मानसून में इसकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, और मानसून में होता ही है, जैसे अगर आपने पानी एक दो दिन नहीं दिया है, सूख गई है, तो ये जो है जड़ों के ऊपर आ जाते हैं, मिट्टी के 2-3 इंच के सतह पे आ जाएंगे, और फिर ये मूवमेंट करने लगते हैं, और ये फिर ये उसको जड़ों को ही खाने लगते हैं, क्योंकि जड़ों में मच्छर होता है तो जड़ों को खाने लगते हैं। तो आप इसमें एक जैविक है, जैविक उपाय है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो आप सोलराइजेशन कीजिए अपनी मिट्टी का। मैंने ये देखो धूप में पूरी, आज बहुत तेज़ धूप निकली है, तो उसमें मैंने ये सूखने के लिए डाल दिए हैं। तो ये कुछ तो मैंने निकाल लिए हैं, चुन लिए हैं, जितने भी हैं मुझे जितने दिखे उतने मैंने चुन लिए हैं, और इन्हें आप किसी पॉलीबैग में भर के कहीं दूर फेंकाओ। और दूसरा, ये अगर आपके प्लांट नहीं निकालना चाहते, आपको एक आध ग्रब दिखता है, तो आप क्या करोगे, ये जो फफूंद होती है, जैविक फफूंद होती है, मेटाराइजियम, ये फफूंद मित्र फफूंद होती है, ये अगर हम अपने प्लांटर में डाल देते हैं, गमलों की मिट्टी में या खेत की मिट्टी में डाल देते हैं, तो ये लट के ऊपर बिल्कुल लट को खा जाएगी, ख़त्म कर देगी, ये सफ़ेद लट को बिल्कुल ख़त्म कर देगी जड़ से। तो ये अगर सिर्फ इतना ही नहीं करती, ये जो मेडिसिन है, ये जो दवाई है, जो इससे मारने के बाद भी जड़ों में जाके पूरी तरह से फैल जाती है, और जितने भी इसके अंडे वगैरह हैं, लार्वा है, अंडे हैं या सुंडियाँ हैं, सबको ख़त्म कर देता है। तो अगर आप खेत में डालना चाहें, तो 3 किलो मेटाराइजियम पाउडर और 200 लीटर पानी, या 200 किलो मिट्टी में मिक्स करके पर एकड़ के हिसाब से खेत में डाल सकते हो। गमलों में भी आप इसी तरह से डाल सकते हो, अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप मान लो एक गमले में डाल रहे हैं, 2 गमले में डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से अपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल सकते हो। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये समस्या मैंने किसी ग्रुप में बहुत देखी है, बहुत लोगों ने पूछा है कि ये कीड़े क्या है, कैसे हैं, इनका क्या इलाज है। तो प्लीज़ फॉलो करें इस पूरे रीज़न को। और सोलराइजेशन बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सिस्टम है, आप धूप में डाल दो, इसके जितने भी लार्वा होंगे, अंडे होंगे, वो धूप से जल के मर जाएंगे। 1-2 दिन आप अच्छे से सुखा लो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले मिट्टी को सुखाओ। जब अगर आप गमला रिपोर्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले मिट्टी को सुखा लो अच्छे से, तो सुखाने के बाद फिर रिपोर्ट करो तो अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।